हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि गैप रेजिस्टेंस के आसपास है निफ्टी, एंड 10,350 अगर क्रॉस नहीं करता है तो वापस हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली 10,300 के आसपास इसने हाई बनाया। गैप रेजिस्टेंस था, 100 डे मूविंग एवरेज भी था, तो मैंने आपको बताया भी था कि वहां से ऊपर जाना थोड़ा अपसाइड कैप्ड है, और 10,350 क्रॉस नहीं होगा तो डेफिनेटली एक हमें प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या व्यू है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 9,900। सो हो सकता है निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेस में चला जाए एक बार, 10,300 से लेके 9,900 ये रेंज में चला जाए। अगर इसको बड़ा फॉल देना है तो बहुत जल्दी ये 10,000 तोड़ देगा। अदरवाइज अगर ये 10,000 नहीं तोड़ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे एंड देन फिर वापस ब्रेकआउट दे। फिलहाल व्यू थोड़ा सा साइडवेज है, रेंज बाउंड है, पर 10,300 के ऊपर एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है, एंड 10,000 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, ये एक रेंज है एंड ये एक रेंज है। सो 17,000 से ये एक रेंज है, 17,000 से 21,500, 22,000, ये 5,000 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी का। और अगर आप देखें ये इसी रेंज में ही एब्सोल्युटली कंसोलिडेट कर रहा है। आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन वापस एक फॉल हमें देखने को मिला है। 22,000 अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक मेजर ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, बट जिस तरीके का फॉल आज हमें देखने को मिला है, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट बेसिस पे 22,000 क्रॉस करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, एंड इम्पॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए 20,000। अगर 20,000 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक वापस हमें बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो 20,000 से 22,000 ये 2,000 पॉइंट के रेंज में हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा दिन कंसोलिडेट करे। तो अब बैंक निफ्टी में भी व्यू थोड़ा साइडवेज है, रेंज बाउंड है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक स्टॉक दिया था हैवेल्स, ये मैंने सेल दिया था 559 के नीचे। इसमें इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना, डेफिनेटली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। अगर आपने पैसा बनाया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक मैंने स्टॉक दिया था MGL 1002 के नीचे, इसको भी मैंने सेल दिया था 1002 के नीचे। इसमें भी इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना है, डेफिनेटली आप लोगों ने इसमें भी पैसा बनाया होगा। एक मैंने स्टॉक दिया था बाय अमर राजा, अमर राजा मैंने बाय दिया था 678 के ऊपर। अगर आप देखें इसमें अमर राजा में, इसने जो ओपनिंग कैंडल होता है 915 का, उसमें इसने 685 का हाई बनाया। उसमें ट्रेडेबल प्राइस नहीं था, इट वॉज जस्ट अ ओपनिंग हाई। सो इसमें कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, 678 के ऊपर इसमें जो बाय दिया था वो ट्रेड इसमें ट्रिगर नहीं हुआ। तो अमर राजा बैटरी ट्रेड हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, इसमें कोई एंट्री नहीं लिया है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा सन टीवी। सन टीवी अगर आप देखें, ये रेजिस्टेंस के आसपास है, एंड 400 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ट्राई कर रहा है लेकिन वापस वहां से हमें सप्लाई देखने को मिल रही है, और आज इसने क्लोज किया है साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, 400 लेवल के नीचे। आज इसने क्लोज किया है 400 लेवल के नीचे। सो हो सकता है हमें इसमें एक फॉल हमें देखने को मिले। अगर आप देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है, इसने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन है इसमें, तो डेफिनेटली इसमें फॉल हमें देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा JSW स्टील। JSW स्टील अगर आप देखें, ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये अपसाइड चैनल में हम लोग हैं यहाँ पर, और चैनल के अपसाइड लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है कि हम 7-8 रुपए के मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा टाइटन। टाइटन अगर आप देखें, ये रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ है 1050, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो इसके ऊपर डेफिनेटली जाता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, 1100-1140 तक के टारगेट्स होंगे। बट अगर आप इसमें देखें, अगर मैं आवरली चार्ट पे जाता हूँ, लास्ट 1 आवर का जो कैंडल है इसमें अगर आप देखें, 1000 के लेवल से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज की। 1025 के आसपास क्लोज हुआ है, 1033 तक इसने हाई बनाया था। सो लास्ट 1 घंटे में इसमें हमें बाइंग देखने को मिला है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो सकता है, एंड 1050 के ऊपर इसमें एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है 1080 एंड 1100 तक के टारगेट्स के लिए। सो टाइटन काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।